अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी। आज बनाते हैं टोमेटो गोश्त। बहुत सारे टोमेटो इस्तेमाल करके हमने इसको बनाना है। टोमेटो गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, बीफ है ये, आप मटन भी ले सकते हैं अगेन। और इसके बाद जो है इसके अंदर मुझे उतनी ही सेम क्वांटिटी का, समझ लीजिए 1 kg जो है वो टोमेटो चाहिए। ये तकरीबन 10 टोमेटो मैंने चॉप कर लिए हैं। उसके बाद जो है उसके अंदर मुझे 2 big onion जो है वो स्लाइस करके चाहिए। और उसके बाद जो है मुझे उसमें कुछ मसाले पीसना है, जिन मसालों में मैंने जो है हैंडफुल कोरिएंडर लीफ जो है हरा धनिया लिया है, 5 हरी मिर्चें हैं, और उसके बाद उसके अंदर 1 teaspoon जीरा है, 1 tablespoon धनिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है, 6 से 7 जो है वो लौंग है, क्लोव, 10 से 12 हरी इलायची है, और 1/2 teaspoon जो है वो ब्लैक पेपर है। ये सारा मसाला मुझे जो है मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है, थोड़ा सा पानी ऐड करके। मसाला मैंने मिक्सर में पीस लिया है, ये देखिए ये पेस्ट बन गया है। अच्छा, उसके बाद जो है इसके अंदर मुझे अदरक लहसुन डालना है 2 tablespoon, अच्छा ज़्यादा होना चाहिए। और उसके बाद जो है कुछ मसाले मुझे इसमें ऐसे ही डालने हैं, कुछ पाउडर्ड फॉर्म में है, जैसे कि रेड चिली पाउडर है, यहाँ पर मैंने 2 tablespoon लिया है, आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कीजिए। और उसके बाद जो है 1 teaspoon हल्दी है, 1/2 teaspoon जीरा है, 1/2 teaspoon कोरिएंडर पाउडर है, और 5 जो है मैंने हरी मिर्चें स्लिट कर ली हैं, उसको पीछे से ऐसा थोड़ा सा कट कर लिया है। और उसके बाद जो है इसमें कुछ खड़े मसाले डालने हैं, मैंने 5 लौंग है, 5 ग्रीन कार्डमम है, थोड़ी सी जो है ब्लैक पेपर है थोड़े से, और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। ये 1 किलो गोश्त बनाना है तो मैंने इसलिए बड़ा वाला कुकर लिया है। इस कुकर में जो है मुझे सबसे पहले थोड़ा ऑयल डालना है, कम से कम 1/2 cup जो है वो ऑयल डालना है इसके अंदर। ऑयल डालने के बाद जो है जब ऑयल गर्म हो जाए तब उसके अंदर जो है मुझे प्याज डालना है। ये जो 2 प्याज मैंने स्लाइस करके रखी थी ये मैं डाल देती हूँ, और उसको चला लेंगे जरा अच्छे से। एक से 2 मिनट चलाने के बाद जो है अब मुझे उसके अंदर ये जो खड़ा मसाला मैंने पूरा लिया है ये पूरा डाल देती हूँ मैं इसको, और उसके अंदर जो है ये हरी मिर्चें जो है मुझे ये भी डाल देना है। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक प्याज जो है अच्छे से थोड़ी ब्राउन ना हो जाए। अभी आप देख सकते हैं प्याज जो है वो बहुत अच्छे से कलर इसका आ चुका है। अब ऐसे वक्त में जो है मुझे इसके अंदर अब जो है गोश्त डाल देना है। ये गोश्त मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको मुझे अच्छे से भूनना है। इसको आपको तब तक भूनना है जब तक आप इसमें जो है पानी ना छूट जाए सही से, और गोश्त का कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। अब जो ये गोश्त अच्छे से भुन चुका है इसके बाद जो है मुझे इसके अंदर ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो डाल देना है, और उसको भी अच्छे से चला लेना है। उसके बाद जो है अब मुझे ये मसाला जो मैंने पीस कर रखा था वो मुझे इसके अंदर डाल देना है, और उसको भी अच्छे से चला लेना है। ये मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके बाद जो है मुझे ये सारे पाउडर्ड मसाले जो है वो सारे के सारे इसमें डाल देने हैं, और उसको भी मुझे अच्छे से चला लेना है। अब फाइनली जो है मुझे उसके अंदर ये जो टोमेटो मैंने इतने सारे कट करके रखे हैं ये इसमें डाल देना है। सारे टोमेटो डालने के बाद कुकर जो है वो तकरीबन फुल हो गया है, उसको मुझे संभाल कर थोड़ा सा चलाना है। इसको
इसको अच्छे तरीके से चलाने के बाद अब मुझे इसको कुकर को बंद करना है और इसको कम से कम आधा घंटा स्लो आंच पर पकाना है, एकदम धीमी आंच पर इसको पकाना है। ये आधा घंटा हो चुका है और हमारा गोश्त इसमें लगभग गल चुका है। मैं इसको खोल देती हूँ। आप देख सकते हैं ये तकरीबन तैयार हो गया है। अब मुझे इसके अंदर नमक डालना है और इसको थोड़ा तेज आंच पर इसको पकाना है। इसमें नमक डाल दिया मैंने। अब इसको जो है मुझे पका लेना है थोड़ा। इसको अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा सुखा लेना है, इसमें जो ग्रेवी है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाए बस, फिर मुझे इसको हरा धनिया डाल के सर्व करना है। 10 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं मेरी ग्रेवी जो है अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है और ये तैयार है। मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर देती हूँ। मैंने एक मुट्ठी भर जो है वो हरा धनिया चॉप करके इसमें ऐड कर दिया। अब उसको चला लेते हैं अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार टोमेटो गोश्त खाने के लिए तैयार है। इसको मैं जीरा राइस के साथ सर्व कर सकती हूँ, मटर पुलाव के साथ सर्व कर सकती हूँ या किसी और भी राइस के साथ मैं इसको सर्व कर सकती हूँ। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं। टोमेटो गोश्त रेडी है खाने के लिए। इसको आप ज़ीरा राइस के साथ सर्व कीजिए या मटर राइस के साथ। मैं जो है मटर पुलाव के साथ इसको सर्व करने वाली हूँ। इसको आप नान या बटर नान या फिर ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं या इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। इसको घर पर ज़रूर बनाइए और ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। टोमेटो गोश्त की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्वीट एंड स्पाइसी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।